इस क्षेत्र में कई दिनों से कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि लालगांव यहाँ का केंद्र है इस जगह का, जहाँ पर बहुत सारी पहले भी हिंदू विरोधी गतिविधियाँ हो चुकी है, देशद्रोही भी बैठे हैं वहाँ कुछ लोग, जिनके कारण इतना बड़ा आंदोलन उस समय शिव बारात रोकने के कारण हुआ था, जो कि हमारा जिला शांति का टापू है, आप सब जानते हैं। अभी ये जो नई घटना हुई है वो हमको लगभग 10 अगस्त को पता लगी, और उसी दिन हमने ये लालगांव की बच्ची, हमारी बहन है हिंदू, और जो लड़का है जो आरोपी वो शेख नफीस, जो कि मेघदौन निवासी है, और मेघदौन निवासी नफीस ने जो कुकृत्य किया है, दुष्कर्म किया है, और उसके लिए पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, और बिल्कुल किसी के साथ ऐसा ना हो वो घटना हुई कि उनने जो दुष्कर्म करने के बाद वीडियो और फोटो वायरल किए, तो किसी बेटी की इज्जत उछाली है, और ये हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे सहन भी नहीं करेंगे सर, हमारे ग्रामवासी मेघदौन लालगांव सहन भी नहीं करेंगे ना, जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश से समर्थन मिल रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हमको समर्थन मिला है, हमारे विश्व हिंदू परिषद और ग्रामवासियों की तरफ से एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ आज उपस्थित थे, और जैसा कि हमने एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, टीआई साहब, छोटे से छोटे अधिकारी तक मिले, हम बड़े से बड़े अधिकारी से मिलकर हमारी बात रखी, 10 अगस्त से 14 अगस्त तक, 15 अगस्त तक हमने बात रखी, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, फिर हमको मजबूरन भोपाल जाना पड़ा, और माननीय संवेदनशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने हमारी हिंदुओं की आवाज़ सुनी।